देखो इंग्लिश में बहुत सारा प्रॉब्लम है, और अगर वर्ड याद करने बैठ जाए तो उसमें तो बच्चे का बहुत प्रॉब्लम पैदा होता है। एंड विदाउट प्रॉपर वर्डिंग आपका इंग्लिश ब्यूटिफिकेशन नहीं हो सकता। दूसरा बात हो रहा है कि सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का बात नहीं, भर भर के क्वेश्चंस आता है जिसमें सिनोनिम एंटोनिम, इसमें स्टूडेंट फेस वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, तो एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है और ना तो नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा, लगातार अगर हम प्रयास करते रहे तो, इसलिए लगातार प्रयास करने के लिए अ वर्ड अ डे, एक दिन में आपको एक वर्ड सिखाया जाएगा। बस सर, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज है। इंसान का जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विजुअल ब्रेन। आपने रटा भूल जाओगे, आपने सुना वो भी भूल जाओगे, लेकिन आपने देखा तो वो लाइफ लॉन्ग रिटेन करता है। इसलिए मैंने मेरे साथ लाया हूं अनिशा क्रिस्टी, सी विल गिव यू प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर मीनिंग विथ द विजुअलाइजेशन। सो प्लीज मैम। तो आज का वर्ड हमारा रहेगा अले, ALLAY। इसका प्रोनाउंसिएशन इज अले। अब इसको याद कैसे करें और इसका मीनिंग क्या है? तो जब भी ऐसे छोटा बेबी जब रोता है तो आपने देखा होगा नॉर्मली हम उसको कैसे चुप कराते हैं, अले 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 बच्चा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ, यही बोलते हैं। सो दिस अले अले इज बेसिकली इज टू काम एंड पेसिफाई। तो हम इस वर्ड का मीनिंग अब याद हो जाएगा हमें, अले याद करेंगे, अले अले बेटा चुप हो जाओ, दैट मीन्स काम एंड पेसिफाई।